नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। झारखंड अभिभावक संघ का निजी विद्यालय के मनमानी के विरोध 3 दिवसीय आंदोलन आज हैशटैग के द्वारा खत्म हुआ। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन का चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज 30 मई को हैशटैग के माध्यम से ट्वीट अभियान चलाया गया, जिसमें झारखंड राज्य के साथ साथ कई प्रदेश के अभिभावक संघ के प्रतिनिधि ने अपना समर्थन दिया। उन संगठन के पदाधिकारियों ने ट्वीट के माध्यम से झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि स्कूल मुद्दों को लेकर अभिभावकों के हित में यह संगठन लगातार आंदोलन करते आ रही है, जिसका स्तर पर हम सब समर्थन करते हैं। 3 दिवसीय अभियान आज आखिरी दिन था। राज्य के लगभग सभी जिलों के झारखंड अभिभावक संघ के पदाधिकारी एवं अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रमुख रूप से कैप्टन प्रदीप मोहन राय सहाय, महेंद्र राय, रवि शंकर राय, डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव, रामदीन कुमार प्रमोद, रंजन आभा वर्मा आदि ने सहयोग दिया। पिछले साल की तरह इस बार भी लॉकडाउन लगा है, लेकिन पिछले साल भी हम लोग का नौकरी जो है किसी कारणवश हम लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन बीच में भी हम लोग को संभालने का मौका नहीं मिला। लेकिन बच्चे हमारे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन फीस देने में बहुत परेशानी हो रही है। हम भी सरकार से यही मांग करेंगे कि बच्चों का जो फी है वो माफ किया जाए और सरकार ने जो आदेश दिया था उसको लागू करें। शिक्षा विभाग में पता नहीं क्या हो गया, आज के दिन में जो एचआरडी सेक्रेटरी हैं, वो अभिभावकों के लगातार शिकायत पत्र मिलने के बावजूद भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के चरणबद्ध आंदोलन का आज 30 मई को ट्विटर अभियान था और ट्विटर अभियान के माध्यम से हम लोगों ने सत्ता पक्ष के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी को, उनको टैग करके हम लोगों ने पत्र भी ज्ञापन भी दिया है और उनके ईमेल पर भी हम लोग ज्ञापन के प्रति भेजे हैं। साथ ही आज पूरे राज्य के लगभग हर जिले के हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, अभिभावक संघ के प्रदेश पदाधिकारी हैं, सब लोगों ने मिलकर के आज इस अभियान में हिस्सा लिया है और आज हजारों ट्वीट हम लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के टैग करके उनको हम लोगों ने भेजा है, ट्वीट किया है और राज्य के एचआरडी विभाग को किया है, साथ ही देश के शिक्षा मंत्री को किया है और हम लोगों ने मांग किया है कि कम से कम राज्य के अंदर जो झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 है उसको पूरे तरीके से उसको प्रभावी किया जाए, उसको लागू किया जाए। साथ ही पैंडेमिक को देखते हुए जो स्कूल लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं उन स्कूलों के ऊपर में लगाम लगाया जाए और पिछले साल की तरह इस साल भी एक आदेश जारी किया जाए कि कम से कम ट्यूशन फीस के अलावा अभिभावकों को कोई दूसरा फीस जमा न करना पड़े, क्योंकि अभी लगातार स्कूलों की ओर से जितना दबाव है कि आपको ट्यूशन फीस के साथ साथ वार्षिक शुल्क, डेवलपमेंट चार्ज, स्मार्ट क्लास के नाम पर, कंप्यूटर के नाम पर, मैगजीन के नाम पर अभिभावकों से लगातार नोटिस के माध्यम से ये कार्रवाई किया जा रहा है और जो अभिभावक पैसा जमा नहीं कर रहे हैं उनके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से वंचित कर दिया जा रहा है। तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा, विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस पैंडेमिक में हर परिवार की स्थिति, जो खास करके जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार है, वो अपना परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से कर पा रहा है, 3 परिस्थितियों में अपने बच्चों का ट्यूशन फीस कैसे देगा, इस बात को भी सोचना है। मैं साथ ही मुख्यमंत्री से भी कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी चरमराई हुई है और वहीं पर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो लगातार विभिन्न मदों में पैसे वसूल करके अभिभावकों का दोहन कर रहे हैं। इन सभी चीजों की आप समीक्षा करें और समीक्षा के उपरांत इस पर एक निर्णय जो है आपको लेना चाहिए, कार्रवाई जो है आपको करना चाहिए, ताकि आम अभिभावकों को इसमें जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनका प्रॉब्लम है, उसका समाधान हो सके। धन्यवाद। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।